गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। यहाँ एक घर में कारपेंटर का काम कर रहे थे, तभी नीचे के फ्लैट में रहने वाले दबंग लोगों ने कारपेंटर्स की इस कदर पिटाई की कि सभी की जान आफत में आ गई और उन्हें लाठी डंडों से तब तक मारा पीटा गया जब तक वे बेहोश ना हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि इंदिरापुरम में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कहीं कोई भी किसी भी तरह गरीब को मार सकता है, पीट सकता है, लेकिन पुलिस केवल जांच के अलावा कुछ नहीं करती। जी हम वहाँ काम कर रहे थे, 7-7:30 बजे तक काम किया था हमने। जी ज्ञानखंड फोर में हम काम कर रहे थे, वहाँ पे शाम के टाइम कुछ 8-10 गुंडे आए और हमारे साथ मारपीट करी और पंच वगैरह हथियारों से लैस होकर के। हाँ जी, क्या क्या हथियार थे? पंच की रोड थी, हाथ में लोहे का पहनने का पंच था, लकड़ी थी, डंडे थे और पाइप था। कहाँ रहते वो लोग? नीचे वहीं रहते, आसपास घर के पास में रहते हैं। हम ऊपर काम कर रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे लाइट गई हुई थी, अंधेरे में हम बस बारिश बंद होने तक जा कर रहे थे। वो आए और उन्होंने हमला कर दिया हम पे।